हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग A7 2018 की, जिसमें लगा हुआ है पैटर्न लॉक। तो इस लॉक को कैसे खोलते हैं, तो देखते हैं पूरी वीडियो शुरू से लास्ट तक। तो देखते हैं दोस्तों, जो भी इसमें यानी पैटर्न हम डाल रहे हैं यानी कि इनकरेक्ट पैटर्न ये बता दिया। तो ये करना क्या है, सबसे पहले फ़ोन जो है हमारा यानी कि पावर ऑफ भी नहीं होने का यानी बंद भी नहीं होने का। तो यानी कि पावर वाला बटन और वॉल्यूम डाउन वाला बटन, इन दोनों बटनों को आपको एक साथ दबाना है। तो मैं एक साथ दबा लेता हूँ। जैसे ही हमारे फ़ोन की यानी लाइट बंद हो तो वॉल्यूम डाउन वाला बटन छोड़ के वॉल्यूम प्लस वाला बटन यानी कि दबाना है। तो मैं दबा लेता हूँ। और जैसे ही हमारे फ़ोन में यानी कि सैमसंग गलेक्सी A7 आई लिखा हुआ है, तो ये सारे बटन आपको छोड़ देने। छोड़ने के बाद अब हमारे फ़ोन की यानी कि रिकवरी सेटिंग आ जाएगी। रिकवरी सेटिंग आने के बाद वॉल्यूम डाउन से आपको जाना है 5वें नंबर पर, यानी कि वाइप डाटा फेस स्टोरेज रिसेट पर आपको जाना है। फिर यानी कि पावर की वाला बटन यानी कि दबा देना, ऑन ऑफ वाला बटन मैं दबा लेता हूँ। फिर वॉल्यूम डाउन से फैक्ट्री डाटा रिसेट पे जाना है। फिर यहाँ ओके कर देना है इस बटन से। तो मैं कर लेता हूँ इसे। और फिर यानी कि हमारा फ़ोन जो है हार्ड रिसेट हो जाएगा, फॉर्मेट हो चुका है। यानी कि फिर यहाँ से रिबूट करना है पावर किट से। तो मैं इसे कर लेता हूँ। और हमारा फ़ोन यानी कि अब जो है बिल्कुल हार्ड रिसेट हो चुका है, यानी कि अब जो इसमें यानी कि पैटर्न था वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। और दोस्तों हमारा फ़ोन बिल्कुल लॉक किया यानी कि खुल जाएगा। और दोस्तों आपका फ़ोन यानी कि वाईफाई मांगता है, और यानी कि FRP लॉक मांगता है यानी कि गूगल अकाउंट मांगता है, और वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ता है। तो आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख के यानी कि FRP बाईपास भी कर सकते हैं। तो इस फ़ोन में यानी कि FRP नहीं लगी हुई है। तो दोस्तों यानी कि और आपके फ़ोन में यानी कि मांगता है, तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वो वीडियो देख के यानी कि FRP बाईपास भी कर सकते हैं। तो मैं इसे अभी यहाँ स्किप कर लेता हूँ, स्किप एनीवे। और हमारा फ़ोन बिल्कुल यानी कि सेटअप अब जो है कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से मैं स्किप। तो इसी तरीके से आपको अपने सैमसंग गलेक्सी A7 यानी कि सैमसंग A7 2018 जो फ़ोन है, इसी तरीके से आपको हार्ड रिसेट करना है, और आपका जो पैटर्न था आपके फ़ोन में वो भी रिमूव हो जाएगा। तो मैं इसे यहाँ से ओके कर लेता हूँ। इसे ऊपर करना है, यहाँ से इसे पहले ऊपर करना है, फिर यहाँ ओके, और फिर यहाँ इसे डन कर देना है। और हमारा फ़ोन बिल्कुल दोस्तों यानी कि ऑन हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक करो। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वीडियो देखने। आपका दिन शुभ हो।